हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स में हम सबसे पहले ले रहे हैं पार्टनरशिप, राइट? तो उसके हिसाब से, वैसे क्योंकि ये चैप्टर टू है तो बेटर है मैं इसको टू ही दे दूं, चैप्टर टू, और उसकी फर्स्ट वीडियो हम ले रहे हैं फंडामेंटल्स की। देखिए, पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब ने 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है। 11th की बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो उसकी फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करनी होती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। सबके अलग अलग पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे। ये जो मेरा वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है और इस टॉपिक पे तो मैं इसमें पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कस करूंगा। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो ज्यादा डिटेल में मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप एक तरह से इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? पार्टनरशिप। तो अभी मैं आपसे दो मिनट के लिए पूछता हूं, आप खुद बस सोचिएगा, बिकॉज नेचुरली इट्स अ वीडियो, कि HUF में और पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या फर्क है। दोनों में आमतौर पर शुरुआती स्टेज पर दो या तीन लोग हो सकते हैं। HUF में भी देखिए, पार्टनरशिप की बात तो हमने करी ही है, साथ में हम अगर HUF, आप सबने पढ़ा हुआ HUF के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या हम एक कंपनी की बात करें, स्पेशली अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों केसेस में स्टार्टिंग स्टेज में दो या तीन लोग हो सकते हैं। अब इसमें और इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि बिजनेस विद इन द फैमिली है, इट्स अ फैमिली बिजनेस। आमतौर पर फैमिली बिजनेस में पिताजी दादाजी बैठे हैं, तो अगर दो भाई तीन भाई मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और कोई कंफ्यूजन होगा तो काफी हद तक मामला फैमिली में ही सेटल हो जाएगा। यानी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे अगर हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे, या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब बातें ना ऑल विद इन द फैमिली ही होके रह जाता है, तो इतना कोई मतलब प्रॉब्लम आती नहीं है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपनी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत सिस्टमैटिकली डिफाइन करना इतना जरूरी नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकल वर्जन बता रहा हूं। आते हैं हम कंपनी पे। आप सबने पढ़ी रखा है ये बात कि कंपनी तो बनती ही तब है जब रिकॉर्डिंग, मतलब कि एक प्रॉपरली उनके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो सब चला गया, यानी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मींस अ कंपनी इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, विदाउट दैट देर इज नो कंपनी। तो इसका मतलब जब कंपनी बनेगी तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीजें कंपलसरी होती हैं जब कंपनी बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो जो लोग कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी आपस की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हद तक, या कहूं काफी हद तक डिफाइंड होती है। यानी वहां पर भी इतना डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस की डीड की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब मैं वापस आता हूं, हमारा मेन जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है पार्टनरशिप। एक्चुअली आमतौर पर पार्टनरशिप फ्रेंड्स के बीच में होती है, आमतौर पर पार्टनरशिप दो या तीन लोगों के बीच में होती है जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब ये अच्छे से जानना कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किस सेंस में? कि अच्छे से जान पहचान के बेसिस पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और कल को अगर उनके बीच में किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो गई तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टनर है, इक्वल है। आमतौर पर वो अगर एज की वजह से किसी को सीनियोरिटी दे तो बात अलग है, अदरवाइज पार्टनरशिप यूजली इक्वल बेसिस पर होती है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कोशिश की जाती है
कि पार्टनर्स एक पार्टनरशिप डीड बना के चले, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें सब लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पार्टनरशिप डीड में रहती है वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई किस तरह से प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कौन लाएगा, क्या कोई सैलरी मिलेगी, अगर हमने कुछ सेल्स अचीव की तो क्या कुछ कमीशन मिलेगा, अगर हमने लोन दिया तो क्या हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, हमने जो कैपिटल दिए क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हमने अपनी फर्म से पैसे बाहर निकाल लिए ड्रॉइंग्स तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पार्टनर्स कैसे एडमिट होंगे, किसी को रिटायर करना है तो कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, कंपनी को लोन के लिए अप्लाई करना है तो कौन अप्लाई करेगा, बैंक अकाउंट्स कौन खोलेंगे, कौन मैनेज करेगा, ये सारी बातें लिखकर एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जो कि सजेस्टेड है हर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपरली चलाने के लिए ये डीड बना लेनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्री कराओ या मत कराओ, पार्टनरशिप फर्म को भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराओ या मत कराओ, ये ऑप्शनल है। इवन पार्टनरशिप डीड वर्बल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात, वर्बल अगर पार्टनरशिप डीड है भी तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका मतलब आपकी बुक्स में अगर ये बात लिखी है कि पार्टनरशिप डीड वर्बल हो सकते हैं तो भी उस बात की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। तो इट इज सजेस्टेड कि पार्टनरशिप डीड प्रॉपरली इन राइटिंग होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, देखो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, सो पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर बिजनेस, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप का कोई काम नहीं है। नहीं, सपोज हम सोचते हैं कि हम गरीब लोगों को फ्री खाना देंगे या फ्री मेडिसिन देंगे या फ्री क्लोथिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये एक फिलेंथ्रोपिक सोशल वर्क है। इसके लिए हम एक सोसाइटी बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, इसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप इज मेनली फॉर बिजनेस, वेयर टू और मोर पीपल ज्वाइन हैंड्स एंड दे ट्राई टू अर्न सम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, है ना। सो पार्टनरशिप इज फॉर बिजनेस, दैट इज अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड, एंड इट शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड। बट ये चीज मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, बनाई जाएगी या नहीं कह नहीं सकते, ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, बना लेना बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आगे से इसके स्टार्ट करूंगा, प्रॉपरली एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा उस सिचुएशन में, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, उनमें क्या लिखा है वो आपको समझना होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो बातें मैं आपको और क्लियरली बोल देता हूं सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एक तो आपके पास टीएस गरेवाल सर की बुक होनी चाहिए। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्कूल्स में टीएस गरेवाल की ही बुक यूज की जाती है। अगर आप दिल्ली में नहीं है और मेरी इस वीडियो से आप 12th के अकाउंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, ये पूरी एक वीडियो सीरीज है जो आपको ngpaclasses.com पे मिल जाएगी। दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश, वो भी वहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स के लिए जो है आपको टीएस गरेवाल की बुक खरीदनी होगी। तो ये बुक आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी अरेंज कर लें। बहुत ही बेस्ट और सबसे अच्छी डिटेल्ड वेल एक्सप्लेन बुक है, तो ये आपको चाहिए। और दूसरी बात, ऑब्वियसली आप एक अच्छा साफ सुथरा सा रजिस्टर और पेन लेके जो है अगली वीडियो करने बैठे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो आपको लिखना है, और हम वीडियो सीरीज में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो आपकी बुक में दिए सॉल्व करेंगे। सो आप इन वीडियोस को सिर्फ एक वो ना सोचें कि भी हमें ज्ञान लेना है वीडियो देख के, ये प्रैक्टिकल्स के साथ मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूं, तो आपको भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है जैसे कि आप अपने स्कूल या ट्यूशंस में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में इतना ही, सेकंड वीडियो से हम जैसा मैंने कहा रजिस्टर, कॉपी, पेन लेके प्रॉपर बैठिए और लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू।